से? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरी क्लास में एयर ब्रश की टेक्निक मैंने सीखी। तो एयर ब्रश एक मेकअप का स्टाइल है जिसमें ये वाली मशीन यूज़ करके हम फाउंडेशन को इस तरह से स्प्रे करके एक लेयर देते हैं फेस के ऊपर, और इसमें जो फाउंडेशन की जो कवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो हम प्रेफर करते हैं कि पहले हम अपना मेकअप कर पूरा बेस कंप्लीट कर लें, फिर सेट करने से पहले ये एयर ब्रश के एक लेयर डालें। और इसमें हम नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन नहीं डालते हैं, इसके एयर ब्रश के इसके साथ ही इसके अलग से सिलिकॉन बेस फाउंडेशन आते हैं, कुछ शेड्स मिलते हैं इस मशीन के साथ, तो वो शेड्स हम यहाँ प्रेफर करते हैं। एयर ब्रश मेकअप थोड़ा सा कॉस्टली होता है और कुछ ब्राइड्स सिर्फ ब्राइड्स पे ज़्यादातर ये प्रेफर किया जाता है, और ज़्यादातर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो, जिसमें कुछ स्कार्स ना हो, कुछ पिगमेंटेशन ना हो, उस पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है क्योंकि कवरेज नहीं होती इसकी। उसके बाद आज मैंने यहाँ पर अपने हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस की थी जो कि था मेसी बन। पहले मैंने एक बार जब सीखा था सिर्फ एक बार प्रैक्टिस की थी, उसके बाद आज मुझे प्रॉपर प्रैक्टिस करनी थी। उसके लिए पहले मैंने इनके बालों में पूरी अच्छी से फुल क्रिम्प किया है, और ज़्यादा भी क्रिम्प नहीं क्योंकि ऑलरेडी हैवी थे हेयर्स, तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने लाइट क्रिम्प किया है। और जनरली 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए अगर हम किसी कस्टमर पे कर रहे हैं या किसी ब्राइड पे कर रहे हैं, बट मुझे आज 25 मिनट्स लगे। मैं ट्राई करूँगी कि इससे भी जल्दी प्रैक्टिस करके मैं इससे जल्दी भी ये क्रिम्प 15 मिनट्स तक कंप्लीट करने का ट्राई करूँ। और क्रिम्प करने के बाद मैंने इन पे मैसी बन के प्रैक्टिस की थी, उसके लिए भी मुझे अराउंड हाफ एन आवर लग गया, और एक दो बार थोड़ा ठीक नहीं बना था। उसके बाद फाइनली जाकर मुझसे कंप्लीट जब हुआ तो थोड़ा बेटर था लास्ट टाइम से। और मैंने फ्रंट के भी प्रैक्टिस की, फ्रंट के हेयर्स की, फ्रंट और बैक दोनों के बाद जो फुल लुक होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह से बिल्कुल मैं बात नहीं कर पाई हूँ व्लॉग में,
क्लास थी, क्लास के बाद घर आकर फिर लंच करके जशन को ट्यूशन वगैरह भेजने के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आया है पार्सल। और मेकअप में जो इतनी इन्वेस्टमेंट लगती है हमारी, हमारे टाइम की, और एक तो क्लास में जो हम इन्वेस्ट करते हैं पैसे वो, और उसके बाद भी कई चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे हमें लेनी पड़ती हैं। नॉर्मल चीज़ें लेकर, नॉर्मल प्रोडक्ट्स लेकर नहीं चलता। तो मेरे पास ऑलरेडी क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस बहुत सारे थे, तो अभी आया है मेरा पार्सल लिक्विड फाउंडेशंस का, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत टाइम के वेट के बाद ये आया है मेरा पार्सल। तो जो मैंने आज लिक्विड फाउंडेशन मंगाया है वो है डेली फॉर एवर 52 का। और ये अगर आप एक न्यू मेकअप आर्टिस्ट हैं तो ये सबसे बेस्ट, अभी आज के रेट में सबसे बेस्ट यही फाउंडेशन है इसके, जो आपको रीजनेबल रेट में ज़्यादा फाउंडेशन रखने पड़ते हैं हमें, तो ये बेस्ट है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन से शेड्स मंगाए हैं। तो आज मैंने जो ऑर्डर किए थे ये अभी आए हैं, चार शेड्स आए हैं फाउंडेशन के। और ये फॉरएवर 52 में दो टाइप के आते हैं, एक होता है मैट और एक होता है थोड़ा ये वाला मैंने जो मंगाया है ये है अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। तो इस वाले टाइप के मैंने चार शेड्स मंगाए हैं। चारों शेड्स मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बन रही हूँ इसलिए मुझे इतना कुछ मंगा कर रखना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर आप सेल्फ के लिए कर रहे हैं या फिर बेसिक आप बिगिनर हैं तो आप नॉर्मल अपने शेड का मंगाएं। वाला है सबसे लाइट कलर का, सबसे लाइट शेड है पिंक टोन में, ये है मिल्क केक नाम है इसका 005। और ये है सबसे लाइट वाला येलो टोन का, सबसे लाइट शेड है येलो टोन में, ये है 007 संडे। और फिर एक मैंने लिया है मीडियम टोन, ये है चेस्टनट 016, और ये है एक डार्क टोन, इसका नाम है एक्लेयर्स 002। तो ये जो चार शेड हैं ये मेरे लिए एज अ बिगनर अभी सफिशियंट है। अगर मेरे पास कोई डार्क वाले आते हैं तो मेरे पास डार्क शेड है, अगर कोई बहुत फेयर आता है तो फेयर है, और कोई अगर कुछ और शेड अगर चाहिए तो ये बीच वाला लाइट और डार्क, ये सब मिक्स एंड मैच करके मैं उनका फाउंडेशन का शेड बना सकती हूँ। सो इसीलिए ये चार शेड्स सफिशियंट है, एक पिंक टोन का और बाकी सारे येलो टोन। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की व्लॉग की एंडिंग करेंगे कैप्टन। ओके कैप्टन, आर यू रेडी? हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरा लाइक करो, शेयर मेरा करो और नहीं कमेंट किया, करो कमेंट के नहीं, मैं आज आया हूं। करने आयो बस। मैं आज आया हूं। हाँ, आप आज आए हो, आप बोलो अगर आपको सिमरन का व्लॉग अच्छा लगा हो तो। सिमरन का भी अगर अच्छा लगा तो कर देना, नहीं तो मेरी तरफ से करने इनका। अगर आपको कैप्टन का व्लॉग अच्छा लगा हो, आज दिन भर का जो उन्होंने सबसे पहले हेयर स्ट्रेटनिंग की फिर श्रिया का हेयर डू किया, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।